पे सॉफ्ट टच देख सकते हैं। सीट कवर अपने लग्जरी लाइन वाले कंट्रोल्स लग चुके हैं, अपने X5 वेरिएंट के अंदर आते नहीं थे। इसके अंदर अपनी डैम्पिंग हो गई, स्पीकर से अपग्रेड कर रहे हैं अभी हम। प्रॉपर वायरिंग वगैरह ये देख सकते हैं, प्रॉपर वर्किंग है, एक्टिवेटेड है इसमें। ओके, इसके अंदर एक्टिवेटेड है, देख सकते हैं, करवा सकते हैं। ओके, अपना सिल्वर पार्ट है, बाकी ऑटो फोल्ड मिरर्स भी लगे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने XUV700 की ये जो वेलकम लाइट बोल सकते हैं ये इंस्टॉल करा है। पैनल पूरा पियानो ब्लैक करा हुआ है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोबारा आए थे जय ऑटो, अपने साथ है चामुंडा भैया। तो हेलो भैया, बढ़िया, आज क्या दिखाने वाले हो? XUV700। तो आज अपने पास कितनी आई है टोटल? टोटल 7 या 8 है, गिनना पड़ेगा। ओके, पार्किंग में मिस्टेक हो गया, पता भी नहीं चल रहा कितने। ओके, तो ये काम चल रहा है। ओके, कौन सा वेरिएंट रहने वाला है ये? AX5 वेरिएंट अपना AX5 टोटल आई है। AX5। ओके, बाकी अभी देख सकते हैं अपना रिप्लेसमेंट पार्ट लग रहा है, जो पियानो पार्ट हो रहा है इधर। K3 का एंबिएंस लाइट लग गया, K3 लग चुकी है, सॉफ्ट टच लग गया है, ये सॉफ्ट टच देख सकते हैं। सीट कवर देख सकते हो आप, डैशबोर्ड में सीट कवर अपनी लग्जरी लाइन वाले सीट कवर्स इंस्टॉल करे। मतलब इसका ऑलमोस्ट काम हो चुका है, ऑलमोस्ट हो गया। बाकी हम पार्किंग में दिखा दो जो भी। ओके, पार्किंग में दिखाएंगे, बाकी पीछे रिफ्लेक्टर ऑप्शन आता है वो भी लगवा सकते हैं आप। तो अब स्विच होते हैं पार्किंग पे। सो फाइनली आ चुके हैं पार्किंग में। तो अभी तो एक दिख रही है, एक तो दुकान पे दिखी थी। हाँ, एक दुकान पे दिखी थी, ये सेकंड हो गई, आपके आने से पहले निकल चुकी थी। ओके, हमारे आने से पहले निकल गई थी। अब पूरा महिंद्रा शोरूम दिखा दें, पार्किंग में ही शोरूम, आनंद में। जितनी वेटिंग नहीं है उससे ज्यादा गाड़ी चामुंडा भैया ने खड़ी कर दी आज। 2, 3, 4, 5, 6 बस काउंट करते जाओ आप लोग। 7, 8, 9 गाड़ी, 7 यहाँ पे, एक दुकान पे। ओके, तो सब में देख सकते हैं सारा वेरिएंट अपना AX5 है, सारी की सारी AX5 है, AX5 आ रखी है, 9 के 9 AX5। ओके, क्या क्या काम हो रहा है इनमें दिखा सकते हो? जो जो हो रहा है अभी फाइनल टच में मैं दिखा दूंगा, एक बार आप कैमरा लेकर के दिखा दो क्या क्या है। ओके, सबका दिखा देते हैं एक बार, और फाइनल गाड़ी लास्ट में दिखाएंगे। हाँ, फाइनल गाड़ी लास्ट में दिखाओ। ओके, तो अभी इसके अंदर दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है इसमें। अपने सीट कवर वगैरह लग चुके हैं अपने है? और बाकी एम्बियंट लाइट वगैरह सारी चीज लग रही है इसके अंदर अपनी। ये वाली है, इसके अंदर देख सकते हैं कंट्रोल्स लग चुके हैं अपने X5 वेरिएंट के अंदर, आते नहीं थे जो अपने ग्लॉसी ब्लैक आते थे स्विचेस। इसमें भी MID प्रॉपर वर्किंग रहेगा। बाकी इसमें अपने लग्जरी लाइन वाले सीट कवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके अंदर अपनी डैम्पिंग हो गई, स्पीकर से अपग्रेड कर रहे हैं अभी हम। और बाकी कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की। अभी माउंटेड कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में भी लगा हुआ है अपना। और नेक्स्ट गाड़ी पे जाते हैं, आप नेक्स्ट गाड़ी दिखाते हैं, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर होने वाली है। तो ये इसमें दिखाते हैं, जो AX5 में आता है वो अपने माउंटेड कंट्रोल्स का सिर्फ लेफ्ट साइड ऑप्शन होता है। अभी इसके अंदर सीट कवर भी लग रहे हैं अपने लग्जरी लाइन वाले, ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन। बाकी स्विच होते हैं दूसरी गाड़ी पे। मोस्टली सिमिलर, ऑलमोस्ट सब में सेम काम होने वाला है, लास्ट में दिखाएंगे जो जो काम होता रहेगा अपना। बाकी एक ये वाली भी कार आ रखी है अपने पास, इसके अंदर भी सीट कवर अपने वही लग्जरी लाइन वाले लगे हुए हैं। तो अभी कुछ महिंद्रा का बॉक्स खोल रहे हैं। तो भैया इसमें क्या है? ऑटो हेडलाइट, ऑटो हेडलाइट ये भी इंस्टॉल कर रहे हैं आज। बिल्कुल, ऑटो हेडलाइट अपनी ऐसे आती है, आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर वायरिंग वगैरह स्विच के साथ आता है। एक किट लगेगा, फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली अपनी XUV आ चुकी है शॉप के बाहर। तो एक एक करके जा रही है अपनी, ये दो गाड़ी जाने के लिए तैयार है। ओके, तो वो जा रही है अपनी, ये भी अभी निकलने के लिए तैयार है, ये भी जाने वाली है। ये दो गाड़ी यहाँ बीच में, दूसरी शॉप आती है किसी की, यहाँ पे दो और खड़ी हुई है अपने पास, और जो पार्किंग है UP 32। ओके, सबसे लास्ट में वो सबसे लास्ट में जाएगी। बाकी एक स्कॉर्पियो भी जा रही है। मैं इसका वायरलेस चार्जर एक बार दिखाता हूँ जो लगा। ओके, वायरलेस चार्जर सपोर्ट कर रहा है ये प्रॉपर, एक बार दिखाते हैं हम। तो ये वाली फर्स्ट XUV है जो अपनी जा रही है, इसमें दिखाते हैं। इसमें भी वायरलेस चार्जर लगा है? हाँ जी। ओके,
ये देख सकते हैं, दिखा रहा है वायरलेस चार्जर सपोर्ट कर रहा है। बाकी इसमें क्या क्या काम करा हुआ है? इसमें वायरलेस चार्जर हुआ है, एम्बियंस लाइट हुआ इसके अंदर, और जो हमारा सॉफ्ट टच इधर हमने सॉफ्ट टच का यूज़ करा हुआ है, और डोर में सॉफ्ट टच उधर पीछे दिखा सकते हो, नीचे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने सॉफ्ट टच यूज़ करा। ऊपर लेदर है। ओके, ये भी अपना पियानो करा हुआ है। हाँ, लीवर भी सिल्वर है। ओके, लीवर अपना सिल्वर है। ये हाइड्रो डिप वाला रिप्लेसमेंट पार्ट भी है। हाँ जी। ओके, दोनों अवेलेबल है। और अपना सेंटर स्पीकर लग गया इसमें, सेंटर स्पीकर लग चुका है, और एम आई डी प्रॉपर वर्किंग है, एक्टिवेटेड है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर एक्टिवेटेड है, दिखा सकते हैं। ओके, मतलब नॉर्मल काम था। हाँ। ओके, तो भैया को कैसा लगा पूछते हैं काम? सीट कवर के साथ, सीट कवर्स लगे हैं, रिफ्लेक्टर लगा है, रियर गार्ड लगा है। ओके, साइड के फुटरेस्ट लगे हैं दोनों, दिखाया हूं। बाकी मैट्स वगैरह लगी हैं, इंडियन लाइटिंग पूरी लगी है, अच्छी है, काम बहुत अच्छा हुआ है। ओके, वीडियो देख के ही यहाँ पहुँचे हैं पहले, और थोड़ा सा टाइम और जितने वीडियो देखे हैं सब में कस्टमर यही बोलता है, बस थोड़ा टाइम लगा है, टाइम तो इसलिए लगा क्योंकि 9-10 एक्सयूवी आई हुई थी, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि सारे कारीगरों को पता है कि कौन सा नट कहाँ लगेगा, एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपीरियंस। हाँ, वीडियो में शो करते वैसे ही मिला, बिल्कुल वैसे ही मिला है, और आपके वीडियो के थ्रू ही हम लोग आए। ओके, रेगुलर व्यूअर हैं आपके वीडियो के। बाकी नेक्स्ट भी अपडेट करते रहेंगे एक्सयूवी में क्या क्या लेके आएंगे हम, तो भैया मुझे लग रहा है दोबारा भी विजिट करेंगे। हाँ, मेरा OBRM और एक और क्या चीज बोली थी आपसे, ORBM हो गया, और एक आइटम और कैमरा, रिवर्स कैमरा और फ्रंट कैमरा, वो लगना बाकी है, बट बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो अब वो शायद अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक में लगेगा, बट फिर भी पौने 10 बज रहा है, पौने 10 बज रहा है, लेकिन मैं 11 बजे पहुंच गया। ओके, भैया से रेटिंग लेते हुए जाते हैं हम, कितने? 10.5 10 में से। ओह वाओ, काफी अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट गाड़ी में स्विच होते भैया, नेक्स्ट गाड़ी में भी। तो ये अपनी AX7 भी आई थी आज, तो इसके अंदर क्या क्या कर रहा है? AX7 भी आया था, जिसमें अपना चारों डोर डैम्पिंग हुआ है, ब्राजो की गोल्ड सीरीज, वो भी डबल लेयर, और इसमें एक 18 पीस वाली एम्बिएंट लाइट लगा है। ओके, K3 लगाई है हमने इसके अंदर, और K3 वो भी ओरिजिनल 18 पीसेस वाली, ये देख सकते हैं लाइट मोड चेंज होता है, सारे कलर चेंज हो सकता है। और बाकी इसके अंदर कुछ और काम कर रहा है? इसमें गिनती नॉर्मल 4-5 काम हुआ है, एक तो मेन इसमें K3 एम्बिएंट लाइट लगा है, जो कि ओरिजिनल अपना कार्डिंग है, एक सेंटर स्पीकर डोर डैम्पिंग, और एक इसमें वायरलेस चार्जर लग रहा था, बस थोड़ा लेट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम लगना है। काफी 8-9 गाड़ियां थी, काफी रश था, एक्चुअली 700 के अपना 8 या 9 था टोटल। हां, वीडियो में देखने को मिला ही होगा पार्किंग के अंदर। बाकी इसमें देखो, मैं आपको सेटअप दिखाऊं, तो अपना ये देख सकते हैं ऑटो, तो अपनी यहां खड़ी है, तो अपनी उस साइड खड़ी है, 520 कम यही पे अपना। ओके, 3 जा चुका है, 3 है, तो अब सारी जा रही है, तो हम एक बार कंटिन्यूएशन में दिखाते हैं कि क्या क्या काम हुआ है, और रिव्यूज भी लेते रहेंगे, कस्टमर का फीडबैक लेंगे, क्या क्या काम कैसा कैसा लग रहा है। तो अब आपको दिखा रहे हैं अब नेक्स्ट वाली जो XUV 700 है, इसके अंदर क्या क्या करा भैया? इसके अंदर हमारा पियानो ब्लैक। ओके, पियानो ब्लैक हुआ है, देख सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन और है कि स्विचेस भी, अगर किसी को पियानो ब्लैक करवाना है वो भी करवा सकते हैं, सिल्वर पार्ट होगा। ओके, अपना सिल्वर पार्ट है। बाकी ऑटो फोल्ड मिरर्स भी लगे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, और इसकी वर्किंग भी दिखा देते हैं एक बार आपको, ये देख सकते हैं फोल्ड हो गया। बाकी इसमें भी एम्बिएंट लाइट लगी हुई है अपनी, जो कि ये अपनी नॉर्मल वाली है, हमने K3 भी अभी दिखा दी। हाँ, K3 की क्वालिटी कैसी लगती है? बाकी ये नॉर्मल वाली है, ये भी काफी डिसेंट क्वालिटी रहती है अपनी, अगर किसी का बजट हाई है तो वो लगा सकते हैं K3। हाँ, बिल्कुल। ओके, बाकी इसके अंदर हमने XUV 700 की ये जो वेलकम लाइट बोल सकते हैं ये इंस्टॉल करा है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे भी पियानो ब्लैक वाला। बाकी स्विचेस भी मिल जाएंगे इसके? हाँ, स्विचेस भी मिल जाएगा, डैशबोर्ड की रैपिंग होगी। ओके, डैशबोर्ड में हमने लेदराइट वर्क करा हुआ है पूरा, देख सकते हैं आप, ये एसी का पैनल, पैनल पूरा पियानो ब्लैक करा हुआ है। बाकी इसमें ऑटो हेडलाइट भी इंस्टॉल करी हुई है, ऑटो हेडलाइट बटन हो गया, स्टीयरिंग कवर हो गया इसका। ओके, स्टीयरिंग कवर भी हमने इंस्टॉल करा हुआ है। बाकी MID तो सब में ही वर्किंग करी है हमने। ओके, सारी चीजें वर्किंग करी हुई है। बाकी एक ऑप्शन इसमें ये भी लगा हमने नीचे, हजार लाइट भी इंस्टॉल करी हुई है, देख सकते हैं, जो कि हम पिछली 2 वीडियो पहले ही हमने दिखा दिया था। हाँ, ये भी हमारे पास हो सकता है, बिल्कुल। ओके, तो एक बार फीडबैक भी लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे, बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं। ओके, तो ये वाली XUV भी अपनी जाने वाली है, एक बार कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और भैया से जानते हैं। तो भैया कहाँ से आए हैं आप? हम लोग वसंतपुर से आए हैं। कैसा लगा काम आपको? काफी अच्छा काम किया इन लोगों ने। ओके, जैसा वीडियोस में शो करते थे वैसा मिला? बहुत बढ़िया, वीडियो देख के ही हम लोग आए यहाँ पे। ओके, यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसी को देख के हम लोग यहाँ पे आए। ओके, अगर रेटिंग की बात करूँ 10 में से? रेटिंग 10 में से मैं 10 में से 9
ओके, एक मार्क्स कहाँ कट गए? थोड़ा बहुत सर्विस में आप समझते हो वो नहीं, मतलब कहाँ कुछ रिमार्क हो तो हम टाइम बहुत ज्यादा लगाया वैसे, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था। ओके, वैसे ओवरऑल काफी अच्छा, ओवरऑल काफी अच्छा। ओके थैंक यू। तो ये अपनी सेकंड लास्ट रहने वाली है गाड़ी और अपने साथ सोनू भाई ने ज्वाइन करा है। तो सोनू भाई इस वाली गाड़ी में क्या क्या करा था? देखो इसको आते हैं अंदर से डोर से आते हैं तो सबसे पहले हमें तुम्हारे देखो ये लीवर है। ओके, एक पेंट वाले भी हमने आपको दिखाया, हाइड्रो ट्रिप के अभी हाइड्रो ट्रिप भी दिखाए थे, हाइड्रो ट्रिप भी दिखाया, ये पूरा रिप्लेसमेंट है पूरा पीस। ओके ठीक है, और इसके अंदर पियानो ब्लैक अपना ये हुआ, साइड और ORVM लगे हैं ये देखो, ये रहा ऑटो फोल्ड अभी वर्किंग दिखाई थी हमने आपको, एक ये लगा है, बाकी एंबिएंट लाइट लगी हुई है इसके अंदर, एंबिएंट लाइट लगी है ये अपने देखो, पाँच छः पीस वाली लगी हुई है। ओके, सिक्स पीस वाली अंदर से आते हैं, देखो ये दोनों पियानो ब्लैक हुए हैं, इसमें MID भी ऑन हो चुकी है, MID वर्किंग कर रहा है इसके अंदर देख सकते हो, MID भी वर्किंग हो गई है इसमें, इसमें ओरिजिनल स्टीयरिंग स्विच है देखो, ये देख सकते हो स्टिचिंग करी हुई है, बाकी वेलकम लाइट भी लगाई है, वेलकम लाइट भी देखो लाइट वाली लगी हुई है, इसमें प्लेन भी आती है जिसमें लाइट नहीं चलती, वो भी मिलेगा, वो सिल्वर वाली, सिल्वर वाली आती है। और साइड आफ्टर मार्केट लोअर गार्निश चली है इसमें। ओके, लोअर गार्निश आफ्टर मार्केट लगी है, अपना सीट कवर देख लो, सीट कवर लग्जरी लाइन वाले लगे अपने, सीट कवर भी लगाए पूरे, ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में लग्जरी लाइन लगाते हैं हम, इसमें फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, फिनिशिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी हुई है। ओके, बाकी इसमें लेदर राइट वर्क भी हुआ है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर लेदर राइट वर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सारे में सेम ही था वर्क इसके अंदर, हमने पूरा ये जो AC कंसोल है ये भी पियानो ब्लैक करा हुआ है, बाकी पुराना स्विच ये ऐसा आता था अपना साइड मिरर का, तो इसको रिप्लेसमेंट करके करा है। बेसिकली एक कार आई थी हमारी हिमाचल से, तो एक बार ओनर का भी फीडबैक जानते हैं उन्हें काम कैसा लगा। ओके, तो एक बार ओनर से फीडबैक लेते हैं उन्हें कैसा लगा। तो हेलो भैया। हेलो। ओके, तो आप हिमाचल से आए? हाँ जी, शिमला से। शिमला से आए हैं, बाकी आपको कैसे पता लगा था जे ऑटो का? वीडियो से। ओके, वीडियो के थ्रू पता लगा, जैसा हम वीडियो में शो करते हैं वैसे ही काम मिला? हाँ, सेम वैसा ही है। सेम वैसा है, बाकी सेटिस्फाइड है? हाँ जी, फुल सेटिस्फाइड। रेटिंग कितना देंगे 10 में से? 12 ले लो। ओके, मतलब फुली सेटिस्फाइड है। ये बढ़ गया हमारा, 10.5 से 11 हुआ था। Okay. अब 11 से आज भैया ने एक और बढ़ा दिया, मतलब 12 हो गया। ओके, आज ऑलमोस्ट हमें 10 ही मिले, 10.5, बहुत लोग खुश होके गए सारे अपने कस्टमर्स। लास्ट वीक जब लास्ट वीडियो थी शायद उसमें 11, उससे पहले वाली में 11 भी मिले थे। हाँ, तो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 12 पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी आप किस अपने वहाँ पे रेफर करेंगे किसी को? बिल्कुल करूँगा। ओके थैंक यू। तो ये फाइनल वाली अपनी XUV 700 है जो कि आई है बनारस से। ये भाई लोग हमारे सारे 5-6 भाई हैं बनारस। Okay. से सारे भाई आ रखे हैं। तो हेलो भाई, आज हमारे पास सारी ब्लू थी, यही वाइट थी। ओके, यही वाइट थी। ओके, बाकी इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम हुआ है जो हम अभी तक दिखाते हुए हैं, सॉफ्ट टच वाला यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच हुआ है इसके अंदर। Okay. इसमें एम्बियंस लाइट लगी हुई है। ओके, एम्बियंस लाइट लगी हुई है इसके अंदर, बाकी ये वाला लीवर, ये हाइड्रो ट्रिप वाला पार्ट है। Okay. ये पियानो ब्लैक हुआ है देखो अपना, तो इसमें भी साइड मिरर लगे हैं। ओके, ऑटो फोल्ड के साथ, ऑटो फोल्ड के साथ लगे हुआ। बाकी एक ऑप्शन और मिलता है अगर सैश किसी को करवाना हो पियानो ब्लैक, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर भी लग्जरी लाइन वाला अपने सीट कवर्स है। हमारे लग्जरी लाइन तो हमारा सबमेट ऑलमोस्ट सभी में यही लग रहा है। ओके, हम तो कोशिश करते हैं कस्टमर यही लगवाए क्योंकि बेस्ट क्वालिटी और इसमें फिनिशिंग जो बहुत अलग ही आती है। ओके, तो यही मोस्ट हम प्रेफर करते हैं अपनी तरफ से लग्जरी लाइन। बाकी इसके अंदर MID बटन देख सकते हैं, प्रॉपर वर्किंग है दोनों पियानो ब्लैक सबसे मेन चीज़, तो ये और MID प्रॉपर वर्क कर रही है। हम इस वीडियो में सब MID प्रॉपर काम कर रही है। बाकी इसके अंदर हमने नॉर्मल वाली कार्डी वाली लगाई है दिलीप भाई। नॉर्मल नहीं, कार्डी है, कार्डी ओरिजिनल है एक। Okay. इसमें कार्डी में K3 आता है। ओके, Okay. इस वीडियो में हमने शो करा है K3 की भी परफॉर्मेंस करी है और कार्डी भी करी है, दोनों की लाइट के जस्टिस हम दिखा रहे हैं करके कि कैसी क्वालिटी आती है। बाकी इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा सेम काम था, मतलब चार्जर जो चल रहा है ना, जो स्टार्टिंग अभी लेटेस्ट जो हुआ चार्जर हुआ है। ओके, इसमें चार्जर दिखा सकते हो, चार्जर हमारा 5-6 गाड़ी में वायरलेस चार्जर इसके अंदर भी लगा है। एक बार आप अपना फोन रख के दिखाते हैं हम आपको। तो ये देख सकते हो वायरलेस चार्जर फुल सपोर्ट कर रहा है और इसमें एम्बिएंट लाइट वगैरह ऑलमोस्ट सारी चीजें इस पे हमने सिमिलर दिखा दी। एक 18 पीस वाली एम्बिएंट लाइट लगा है। ओके, 18 पीस, किसी में 18 लगा, किसी में 10 लगा, किसी में 6 लगा है। Okay. किसी में K3 ओरिजिनल लगा है। Okay. तो सारे इसमें 7-8 गाड़ी जो 120-700 था सारे में काम हुआ और अच्छे लेवल का काम हुआ। और यही हम एक एक वीडियो को हटा के सिंगल वीडियो में हमने कोशिश करी है सब कस्टमर का रिव्यू एक ही में दिखाए कि उन्हें सबको काम कैसा लगा। बाकी एक बार फीडबैक लेते कस्टमर का भी उन्हें काम कैसा लगा। तो फाइनली ये काम कंप्लीट हो गया जो कि अपनी बनारस से आई है, जो लास्ट रहने वाली है अपनी XUV 700।
तो भैया से जानते हैं, तो भैया कैसा लगा काम? अच्छा लगा, फुल सेटिस्फाइड है एकदम, कोई कंप्लेंट्स? नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। ओके, रेटिंग की बात करूँ 10 में से कितनी देंगे? 10/10 फुल। कोई कमी है तो बता सकते हो, ऐसा तो नहीं हम फोर्स करके आपको कुछ कर रहे हैं। आज गाड़ी का सेटअप ज्यादा था, मैं बता रहा हूँ, 8 से 9 गाड़ी, 120-700 था, 4-5 स्कॉर्पियो था, 1 बलिनो था, तो उनके वजह से थोड़ा लेट हो गया। बट देखो टाइमिंग की बात करें तो कोई ज्यादा लेट नहीं होगा, 11:46 ओके, 11:46 हो रहे, काफी लेट हो गए। भैया लोग भी थक चुके हैं, अपने साथ सारे भैया आ रखे हैं, तो सारे एक साथ आए हो भैया आप लोग? ओके, तो मतलब रेफर करोगे अपने वहाँ पे फ्रेंड्स को? ओके, थैंक यू। तो यही थी आज की अपनी वीडियो, ये फाइनल अपनी जो एक्सयूवी जा रही है, और कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को और एंड करते हैं। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे मिलते हैं दिलीप भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आज एक्सयूवी